हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत 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 बेसिक इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आज सिर्फ आपको मैं सिंपल समझाऊंगी कि हाउ कैन यू डिक्टेट इंग्लिश लेटर। हमने नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़े हुए हैं वैसे लेटर ए बी सी डी वगैरह, लेकिन कहीं स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश अभी बिल्कुल नहीं आती, या फिर इंग्लिश अगर वो देख लें तो उनको वर्ड्स आपस में, अगर उनके सामने कोई वर्ड आ जाए, सपोज करो उनके सामने हम कोई भी बेसिक सा वर्ड भी रख रहे हैं कि जैसे लॉजिक, लॉजिक मैंने उनके सामने रख दिया, तो मैंने उनको ये बोला कि LOGIC क्या बना, तो उस टाइम पे उनके माइंड में नहीं आता है कि ये इनको जोड़कर हमने क्या बना है, ये क्या वर्ड है। तो वही जोड़ने का ही मेन मेरा है मकसद कि आप एक वर्ड को जोड़कर कैसे उसको हिंदी में बोल सकते हो और उसकी इंग्लिश आप कैसे लिख सकते हो। मीन्स आपका क्या कंसेप्ट चलेगा इसमें कि अगर कोई वर्ड इंग्लिश का है तो उसको हिंदी में कैसे लिखना है, अगर कोई वर्ड हिंदी का है तो उसको इंग्लिश में हमने कैसे बोलना है। ठीक है, तो वो सब हम आज के वीडियो में करेंगे, पर स्टार्टिंग होगी एक सिंपल वर्ड से। वर्ड जैसे कि आपको लेटर तो पता है कि वी हैव टोटल 26 लेटर। लेट सपोज करो आपके पास है एक सिंपल सा लेटर, दैट इज ए। ए आपके पास है तो ए को हमने ये चेक करना है कि ए को हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे ये है हमारा ए, ये ए हो गया, स्मॉल लेटर में हम ए इस तरह से लिखते हैं। ए को वैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, और अगर हमने इसको बोलना है तो इसको बोला जाता है, अगर ए कहीं पे भी दिख जाए तो वो बन जाता है हमारा आ। आ ए मीन्स आ। अगर हमारे पास आ जाए इसी तरीके से, अगर हमारे पास आ जाए बी, बी ये रहा बी, ये रहा हमारा बी, और बी इसको हम बी बोलते हैं। बी का मतलब होता है बा, बी को हम बा बोलते हैं। अगर हमारे पास आ जाए सी, सी ये रहा सी, सी ये रहा हमारा सी, और सी को हम बोलते हैं सा, सा बोलते हैं। जैसे हम सा इसको बोलते नहीं है, मतलब सी से सा बना पर सी से सा नहीं बनता, इसको हम हमेशा बोलेंगे का। ये हमारा कहलाएगा का, सी मतलब का। अगर बात आ जाए हमारी डी की, ये रहा हमारा डी, डी मतलब हमारे पास ये आ गया डी, डी का मतलब होता है डा, डा। उसके बाद इफ वी हैव ई, ई ई मीन्स एलिफेंट, नाम से पता चल गया डी का मतलब था डॉग यानी कि डाई था, ठीक है ना। ई मीन्स एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि अगर वैसे तो ई हिंदी में तो ऐसे बनेगा, ये ई आ गया, और वैसे उसमें हिंदी में ये इस तरह से बोला जाएगा, लिखते तो इसको ई है, इंग्लिश ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, हिंदी में इसको इस तरह से बोला जाएगा कि हम क्या बोलेंगे इसको ए। जैसे एलिफेंट है तो ए आता है ना स्टार्टिंग में, ए एलिफेंट हाथी, ठीक है, तो बोलते तो हम एलिफेंट है ना, यानी कि इसको ई हम हिंदी में किस तरह से बोलते हैं। बोलते हुए जैसे ई कहीं हम देख लें तो उसको हम वर्ड को बोलते कैसे हैं, बोलने के टाइम पर ये बन जाता है एलिफेंट, ये बन जाता है, ठीक है, रहता है ई है निकल बन ई जाता है। अगर आ जाए कहीं पर एफ, तो एफ हमारा रहता तो ऐसे ही है ना, ए और फा एफ, और ये बन जाता है हमारा एफ, एफ फा, फा बन जाता है ये। ये हमारा क्या बन गया फा, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद हमारे पास अगला वर्ड आया है जी, जी हम जी किसको बोल सकते हैं, जा को बड़ी की मात्रा हमारी बन गई जी, लेकिन अगर हम कहीं पर जी देख लें, अगर किसी का नाम है गगन, हम कैसे लिखते हैं उसको गगन, गा गा से, इसका मतलब जी को अगर हिंदी में देखा जाए तो वो गा कहलाता है, ठीक है। जी इन हिंदी क्या बन जाता है, गा बन जाता है। अगर हमारे पास आ जाए इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड आ जाए एच, एच को हम क्या बोलते हैं, हैन, एच से हैन बना, एच से हॉर्स बना, मतलब कहाँ पर भी एच आ गया, हाँ तो एच से हनी सिंह, हाँ मतलब एच जहाँ पर आपका एच है, ये हमारा एच है तो ये हमारा हा है, एच आ गया तो उसको हा ही बोलेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर हमारे पास आ गया आई, ये स्मॉल आई हो गया, ये एक ये जो फर्स्ट में है सारा ये कैपिटल है, ये आगे स्मॉल है, ये आगे इसमें आ गया हिंदी में कि अगर कई बार प्रनाउंस आपको इंग्लिश ना बोलनी है तो उसको हिंदी में बोलते हैं आई। आई को हम हमेशा कहीं पर भी आई देख लें, इंक है ई, इंक ई आ गया यहाँ पर, ये हमारा ई बन जाएगा, ठीक है। आई मीन्स ई, जहाँ पर आई मीन्स ई, ए मीन्स आ, बी मीन्स बा, सी मीन्स का, डी मीन्स डा, ई मीन्स ए, एफ मीन्स फा, जी मीन्स गा, एच मीन्स हा, आई मीन्स ई। आई आई तो ई बोलना है, उसको हमेशा ई बोलना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर हमारे पास जे, जे कैपिटल में इस तरह से आता है या स्मॉल में इस तरह से आता है। जे को हम जा को छोटी ए की मात्रा लगाते हैं तो वो जे बन जाता है, और वैसे अगर जे आए तो हम उसको जा ही बोलते हैं, हिंदी में जा ही बोलते हैं, जैसे जग लग गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं जग जा ही आ गया, सिंपल सिंपल वर्ड अभी बता रही हूँ मैं, जैसे जग हो गया, कुछ भी आप जैसे बोलते तो वो हमारा क्या बन जाता है, जा बन जाता है। देन अब जे के बाद नेक्स्ट आया हमारे पास के, के को हमेशा इस वे से लिखना है आपने, ये स्मॉल लेटर में आ गया के यानी कि का को छोटी ए के बन गया, और इसमें हम इसको भी का ही बोलते हैं, अगर के काइट जैसे हो गया, सिंपल वर्ड बता रही हूँ अभी स्टार्टिंग वाले, तो के काइट हो गया, तो सिंपल वर्ड जैसे भी आते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, के, का से के बनता है। उसके बाद ये है एल, इसको बोलते हैं एल, एल यानी कि ला, एल हमारा ला बन जाता है और एम हमारा मा बन जाता है, ये है एम, एम को हम बोलते हैं मोंकी, एम मीन्स मोंकी। नेक्स्ट इज एन, एन ये स्मॉल में हो गया, ये आ गया मेरा एन, और एन को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, ना, एन मीन्स ना। एन के बाद ओ, छोट स्मॉल ओ, कैपिटल, एक कैपिटल है एक स्मॉल लेटर में आ गया ओ, इसको हम बोलते हैं ओ, ओ यानी कि हम इसको हिंदी में भी अगर कहीं पे हमें लिखना हो तो हम ओ ही लिखते हैं, ठीक है ना, ओ वगैरह जैसे भी होता है वो ओ से ही स्टार्ट होता है हमेशा। दैट्स ओ। नेक्स्ट वी हैव पी, ये हमारा स्मॉल लेटर में आ गया पी, पी मीन्स पा को बड़ी ही की मात्रा पी, वैसे ही इसको बोलते हैं पी पा, मतलब पा से ही हिंदी में ये पा में ही आता है, पा को बड़ी की डालोगे कहीं पर तो वैसे अगर पी कहीं पे आपको दिख जाए तो हम उसको पा ही बोलते हैं, ठीक है, वो पी का मतलब होता है पा, पा का मतलब होता है पी। देन क्यों यानी कि क्विकर, क्यों में क्या आ जाएगा, क्यों, क्यों यानी हम इसको क्या बोलते हैं, का, क्विकर, का से स्टार्ट होता है, क्यू मीन्स क्विकर। आर, आर ये बन गया हमारा आर, आर मीन्स आर। एस, क्यू आर, एस, एस को हम कैसे लिखते हैं, ए और सा, एस मीन्स अगर कहीं एस आ जाए तो वो सा ही कहलाता है, ठीक है, एस मतलब सा। देन टी, टी मीन्स व्हाट, टा, एस टी मीन्स टा। यू, ये स्मॉल लेटर में आ गया यू, यू या को बड़ा ऊ, यू, यू का मीन्स होता है ऊ, अगर कहीं पे यू आ जाए तो उसको हम ऊ बोलते हैं, ठीक है, मोस्टली वैसे ऊ ही कहा जाता है इसमें, यू में ऊपर, ऊपर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो ये सब यू में ही जाते हैं। देन आफ्टर दिस वी, ये मेरे पास वी आ गया, वी का मतलब होता है वेरी,
वी वी हम बोलते हैं वाह को, वाह मीन्स वी। डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे होता है, डब्ल्यू ये या है, ये बन गया मेरा डब्ल्यू। डब्ल्यू हम इसको बोलते हैं, इसको भी हम वाह ही बोलते हैं, हिंदी में इसको वाह ही बोला जाता है। देन वाह के बाद अब हमारे पास एक्स आ गया, शोमी, एक्स मीन शोमी। तो वो ऑब्वियस, अगर शोमी बोलते हैं एक्स को तो वो शाह बन गया, है ना। एक्स हो गया मीन्स ए आधा का सा, ये बन गया हमारा एक्स। एंड आफ्टर दिस वाई, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है, और वाई में हम लिखेंगे वाई, वाई या को बोलते हैं वाई। देन जेड, ये भी जेड आ गया, जेड मीन्स जेड, वो भी जा को बोला जाता है जेड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे वर्ड। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो बहुत चीज़ें कॉमन भी आपको मिलेंगी, जैसे वाह है, वाह पे तो आपको यहीं पर ही आपको दिख रहे हैं कि वाह से बोले जाने वाले वर्ड कौन से, एक वी है एक डब्ल्यू है, ये हम वाह, इसको हम वाह बोलते हैं। ठीक है, और जैसे का, सी हो तो वो भी का है, क्यू हो तो वो भी का है, अगर के आ जाए तो वो भी का है। चेक कर लेना कि कुछ कॉमन है इसमें कि हाँ और क्या कॉमन है, जैसे का से सी क्यू के बोल सकते हैं, वा से वी ओ डब्ल्यू बोल सकते हैं। अगर ऐसे और भी कुछ निकले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। सो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, वर्ड्स मैंने अभी सिर्फ बताए हैं कि ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, इसको हिंदी में कैसे बोला जाता है, सिर्फ इतना समझाया मैंने इस वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।